दोस्तों 2023 का पहला शनिवार, इस समय शनि मकर राशि में चल रहे हैं। 17 जनवरी को ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे और ये केतु का भी वर्ष है। राहु केतु शनि के दूत हैं, यानी शनि जैसा बोलते हैं राहु केतु वही करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी राहु केतु खराब होते हैं या शनि की महादशा, शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया या शनि कंटक शनि, या फिर शनि आपके ऐसे भावों में बैठे हुए हैं जहां से वो आपके लग्न को देख रहे हैं, या आपकी चंद्रमा की महादशा या मंगल की महादशा, तो इस समय व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। और केतु का वर्ष केतु जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करता है, शनि केतु मिल जाते हैं जहां भी युति में आ जाते हैं उसमें वो पितृदोष बना देते हैं। पितृदोष भी बहुत बार कारण होता है आपकी असफलता का, आपके हर काम को विलंबित करता है, क्योंकि शनि का स्वभाव है शनि शनि चलना, धीरे धीरे चलना। और जब भी आपके मंगल की राशि हो, वृश्चिक हुई, मेष हुई, या आपकी चंद्रमा की महादशा हो, तो आप धैर्य आपका खत्म हो जाता है, मन आपका अशांत रहने लगता है, आप भागना चाहते हैं और शनि आपको भागने देते नहीं है, फिर समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं, अंतर मन में आपके द्वंद चलने लगता है और आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। इस चक्कर में मानसिक तनाव होने से आप निगेटिव ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से जो आपको फल मिल भी रहा होता है वो भी और ज्यादा आपका जीरो होता चला जाता है। कहने का तात्पर्य कि शनि आपके मन मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा आपका प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया हर समय ही सब आपको परेशान करे। अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होती है तो ये शनि आपको देते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन हाँ विरक्ति जरूर पैदा करती हैं, मन में एक जो लोगों के प्रति जुड़ाव होता है उसे जरूर खत्म कर देते हैं। जैसे सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो पति पत्नी में भी बहुत अधिक प्रेम नहीं होता है, दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर खटपट होती रहती है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि हो या शनि बैठे हों तो यहाँ भी घर के अंदर उस व्यक्ति का मन नहीं लगता है। तो आज मैं आपको विशेष उपाय बताने जा रही हूँ जो इस वर्ष आपको जरूर कर लेना चाहिए। केतु की महादशा चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, तब तो आपको जरूर ही करना है इस उपाय को। एक ऐसा विशेष उपाय देने जा रही हूँ जो वर्ष भर अगर आप करते रहेंगे उसमें बताऊंगी आपको कितनी बार करना है, पूरा वर्ष आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा और शनि भी आपको सफल प्रदान करेंगे। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी अश्वदोष अश्वजा अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। सबसे पहले ये मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके धन भाव को मजबूत करते हैं, आपके भाग्य भाव को जागृत कर देते हैं। तो इन्हें आपको जरूर ही करना चाहिए, स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराते हैं तो उनका भी मन शांत रहने लगता है, चीजें उनको समझ में आने लगती हैं और भाग्य का साथ मिलने लगता है। 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:50 से 11:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दो चुटकी सरसों, पीली वाली जो सरसों होती है उसे पानी में डाल दीजिए और उस पानी से आप स्नान कीजिए तो आज आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, अटके सोचे कार्य आपके पूरे होंगे। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, शनि, हम इतना जितना डरते हैं इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं, आपसे वो कहते हैं कि आप अगर आपके ऊपर शनि की महादशा या शनि की साढ़े साथी ढैया आई है तो थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, ध्यान अपना मंदिर में, पूजा में, मेडिटेशन में लगाइए,
शांत रहिए, अपने नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके साथ अपना अच्छा बिहेवियर रखिए, पत्नी पर मत चिल्लाइए, अपने बच्चों पर मत चिल्लाइए, इससे आपका मंगल खराब होता है, आपकी वाणी भाव खराब होता है, यानी आपका बुध खराब होता है। आपको करना क्या है, आपको एक सूखा वाला नारियल यानी कि गोला लेना है, जिसको बहुत सारी भाषाओं में गट भी कहते हैं, उसमें ऊपर छोटा सा आपको पट लगाना है। इसके अंदर आपको 5 तरह की मेवा भरनी है, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा और मखाना, इसे छोटा छोटा कट करके आप इसमें भरेंगे। पीड़ित व्यक्ति के पैर से लेकर सिर तक का आप काला धागा नापेंगे, थोड़ा मोटा वाला धागा रेशमी आप ले लीजिएगा। इसके अंदर भरने के बाद इसका इसके ऊपर टोपी रखेंगे और इसको लपेट देंगे। उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे किसी भी बड़े पेड़ की जड़ में आप दबा कर आ जाएंगे। थोड़ा सा इसका मुख लाल छोड़ दीजिएगा। ये आप अगर हर 3 महीने में करते रहेंगे तो ना तो केतु ही आपको परेशान करेगा और ना ही आपको शनिदेव परेशान करेंगे। ये इतना अचूक उपाय है। इसके साथ ही आपको शनिवार की शाम को एक सरसों का तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में ही रखिए, 2 लौंग डाल दीजिए सरसों के तेल के साथ में। इसके साथ ही अब यहाँ बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद क्या आपकी समस्या है वो सारी समस्या बोलिए, उस समस्या से निकलने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। भोग में आपको रखने हैं तो इलायची दाने जो टेढ़े मेढ़े उससे होते हैं वो इलायची दाने या फिर बूंदी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं इसलिए ये राहु केतु के रूप में मानी जाती हैं। तो चाहे तो बूंदी रख सकते हैं और चाहे तो आप इलायची दाना रख सकते हैं, जो मीठा चीनी के रेबड़ी टाइप की होती है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद राम राम नाम की एक माला करेंगे, अपने कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा, राम राम नाम की एक माला, उसके बाद शनि मंत्र का जाप करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप आरती कीजिए, धूप दीप दिखा लीजिए, उसके बाद हनुमान दीपक को थोड़ा सा आप आरती घुमाकर अपने माथे पर लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो लेट कर दंडवत कीजिए और महिलाएं तो सिर्फ हाथ जोड़कर दंडवत करेंगी, अपनी समस्या बोलेंगी। या आप हर शनिवार करेंगे अपने घर के मंदिर में ही, आप कहीं अपने और अन्य मंदिर में जाना चाहते हैं वहां भी कर सकती हैं। कैसी भी आपकी मुश्किल से मुश्किल समस्या होगी वो इस वर्ष आपकी वो समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे, शनि की पीड़ा आपकी शांत हो जाएगी। किसी भी तरह की शनि की पीड़ा चल रही हो, हर तरह से शनि आपके सहायक हो जाएंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। रखना है तो थोड़ा अपने धैर्य का ध्यान रखना है, यानी कि धैर्य रखना है, और साथ में अगर आपको शनि की 7.5 शनि की महादशा है तो आपको एक लोहे का छल्ला, पुरुष है तो अपनी मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में, आपको किसी भी अन्य दिन खरीद के लाइए, शनिवार को मत खरीद कर लाइए। और वो भी आपको घोड़े के नाल इत्यादि देखने की जरूरत नहीं है, मंदिर के बाहर मिल जाते हैं मोटे वाले छल्ले, कुछ लिखा ना हो इस बात का ध्यान रखिए, धारण कर लीजिए। फिर देखिएगा कि शनि कैसे आपके फेवर में आ जाते हैं और आपके हर कार्य को बनाना शुरू कर देंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर से यानी नीले कलर से आपको 6 नंबर लिखना है, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुविधा प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपको ज्योतिष से संबंधित, आपको आयुर्वेद से संबंधित, आपको कुंडलियों से संबंधित, ग्रहों से संबंधित आपको इसी तरह के उपाय देती रहती हूँ। कुंडलियों का भी विश्लेषण करती हूँ। आपके जीवन में चल रही कोई भी समस्या हो, आपका विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा, आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो, शनि की 7.5 है, मानसिक तनाव झेल रहे हैं या कैंसर जैसी भयानक बीमारी होगी, सभी समस्याओं के लिए आपको कुंडली देकर आपको उपाय देती हूँ। कुंडली के लिए मुझे केवल डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए होता है आपका, सो एक बार आप मेरे से परामर्श ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, आप बीसा यंत्र चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है क्योंकि ये मेरी पेड सर्विस है। दोस्तों, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिखिएगा यूट्यूब में ही जाकर, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया बता सकूं और आराम से आप इन उपायों को कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय के साथ।
धन्यवाद।